and welcome to An Academy, and this is our channel An Academy Cat. A very very happy new year to all the learners of An Academy. Aaj hamare naye saal ka pehla session hai and it's Saturday and we are going to study the current affairs. Okay, we are going to do the quiz on current affairs based on the questions of this last week, jo 25 December se lekar 1 January tak ke jo bhi updates hai उसके ऊपर आज हम क्विज करने वाले हैं. तो वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द लर्नर्स. मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस टू यू इन ऑल द इंटरव्यूज दैट यू सीक फॉर. तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज के सेशन को. आज सैटरडे है जैसे मैंने कहा, तो करंट अफेयर्स के ऊपर क्विज करने वाले हैं एंड फ्रॉम मंडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ आवर डायनामिक जीके सीरीज. ओके, डायनामिक जीके सीरीज के साथ हम मंडे से कवर करने वाले हैं. हमने ऑलरेडी दो टॉपिक्स को कवर किया है. वी हैव कवर्ड द अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस एंड वी हैव ऑल्सो कवर्ड द इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स. सो ऑन मंडे वी विल डू द बुक्स एंड ऑथर्स. ओके, मंडे को हम बुक्स एंड ऑथर्स करेंगे, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ इन द सब्सिक्वेंट डेज ऑफ द वीक. ओके, तो वेरी गुड मॉर्निंग, चलते हैं गाइज. हेलो मोहिता, वेरी गुड मॉर्निंग. हेलो जॉन्टी, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो. वेलकम टू द क्लास गाइज, वेलकम टू द क्लास. लेट्स स्टार्ट विथ आवर सेशन. सो फॉर ऑल द न्यू पीपल हु आर गोइंग टू बी हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई एम एडवोकेट ऋषिकेश काटे, MBA LLB, 6+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई विल बी गाइडिंग यू फॉर योर GK एंड करंट अफेयर सेक्शन फॉर वेरियस एंट्रेंस एग्जाम दैट गोज फॉर ZAT, IFT, CMAT एंड पर्टिकुलरली TISS. तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो राइट अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. गाइज, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसके ऊपर आपको सारे रीसेंट अपडेट मिल जाएंगे रिगार्डिंग ऑल द सेशंस दैट वी डू थ्रू आउट द डे ऑन यूट्यूब एंड अन अकेडमी. ऑल्सो गाइज, आपको अगर कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, GD या फिर जनरल नॉलेज, यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू कैच अप विद मी ऑन माई पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप. ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, unacademy_RK. आप कभी भी मुझसे यहाँ पर बात कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी डाउट. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू शिवानी, विशाल, पल्लवी, वंदना एंड श्रुतिका, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास. यस, here's to a splendid new year, Shrutika. Yes, absolutely. Jaise maine kaha, may this new year bring a lot of success to you in all the things that you want to do. So guys, why we should go for the plus subscription? Because enhanced learning experience hai, especially with the high-tech features brought to you by An Academy. तो आप सारे क्विजेस को एक्सेस कर सकते हो, टेस्ट मटेरियल्स को एक्सेस कर सकते हो, जो आपको एक आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करने में मदद करेंगे. फिर आप लीडर बोर्ड को भी एक्सेस कर सकते हो, जो आपको कॉम्पिटिटिव एज को मेंटेन करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है. देन यू कैन हैव ऑल द डाउट सॉल्व हियर ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म, बिकॉज सारे जो प्लस एडुकेटर्स होते हैं वो आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन ऑफर करते हैं राइट इन द मिडल ऑफ द कोर्स. तो आपका प्रिपरेशन एनहेंस ही होगा गाइस. दिस इज द सिंपल स्टेप यू हैव टू फॉलो. सबसे पहले An Academy के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर उसे इंस्टॉल कीजिए, प्लस सेक्शन में जाइए, अपना कोर्स सिलेक्ट कीजिए, दैट इज कैट, एंड देन सिंपली क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शन. तो गाइज, देर आर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन अवेलेबल, बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू टू गो फॉर द 1 year एंड 2 year सब्सक्रिप्शन प्लान, क्योंकि पूरा आपका प्रिपरेशन इसमें कवर हो जाता है. बट एंड ऑल्सो विद दिस पर्टिकुलर नेम, ये नाम आपके बहुत काम आ सकता है, आपको स्ट्रेट अवे 10% डिस्काउंट दे देगा. सो दिस अमाउंट दैट यू आर सीइंग हियर विल बिकम 15,750 एंड दिस विल बिकम 18,900 रुपीज ओनली गाइज. ओके, तो अभी एग्जाम्स आर कमिंग अप, आई थिंक यू शुड ऑल गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन एंड डू मैक्सिमम प्रैक्टिस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. वेरी गुड मॉर्निंग, चलो सब लोग शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द सेशन गाइज. सेशन शुरू करते हैं. देर आर 30 क्वेश्चंस. ओके, आज के क्विज में 30 क्वेश्चंस है. So I want all of you to do to take this 30 questions. Also guys, tomorrow 12 PM ZAT ka analysis hoga. To usme GK section jo hota hai ZAT ka, I will be there for the analysis of GK section. Okay, GK section ke analysis ke liye main rahunga kal 12 baje se. To I hope you guys tune in tomorrow on this very channel, that is An Academy Cat. Yahan par hum pure ZAT ke paper ka analysis karenge. All right. चलो शुरू करते हैं. लेट अस स्टार्ट. विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC
to promote green buildings in the society. Green buildings in the society, green buildings in the country के लिए कौन से बैंक ने IGBC के साथ MOU किया है? मोहिता ने कहा ए, नेहा ने भी कहा ए. नेहा, आज मैं आपको भूला नहीं हूं, आपने कहा ए तो मैंने कहा ए. यस गाइज, ग्रीन बिल्डिंग इज डेफिनेटली अ न्यू कॉन्सेप्ट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ग्रीन बिल्डिंग्स आर गोइंग टू बी द फ्यूचर. सो ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है TISS के लिए. TISS के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है डायनेमिक जीके के पार्ट में. वेरी गुड मॉर्निंग नेहा, विशाल, वनीता. गुड मॉर्निंग वनीता, वेलकम टू द क्लास. शिवानी, पल्लवी, डॉली, सब लोगों ने कहा ए. एंड यस गाइज, एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज HDFC. ओके, HDFC इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री विल होल्ड अ ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट इन 2021? ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट 2021 में कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? हाय दुर्गेश, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास. इट इज द सेकेंड डे ऑफ द ईयर बट आई फील लाइक इट्स द फर्स्ट सिंस आई हैव नॉट मेट यू यस्टरडे. कल आप लोगों से मेरी मुलाकात नहीं हुई तो ये तो मेरे लिए पहला ही दिन हुआ. एनी विच वेज, यस गाइज, विच कंट्री विल होल्ड अ ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट इन 2021? मोहिता ने कहा सी. मोहिता सेड इट्स सी. विशाल ने भी कहा इट इज सी. दुर्गेश ने भी कहा इट इज सी. डॉली ने भी कहा सी. वेरी गुड गाइज, वेरी गुड. विशाल, आर यू गोइंग टू अपियर फॉर जैट टुमारो? अपार्ट फ्रॉम मोहिता, एनीबडी इज गोइंग टू अपियर फॉर जैट टुमारो? इट वॉज फैंटेस्टिक दुर्गेश, इट वॉज फैंटेस्टिक. द सीनरी, द व्यू, द क्लाइमेट वॉज जस्ट टू गुड. बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था. फ्रांस, सब लोगों ने कहा फ्रांस. एंड फ्रांस इज द करेक्ट आंसर. फ्रांस में ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट 2020 होने वाला है. गुड देयर. देन डिजीबॉक्स. ओके डिजीबॉक्स, द मेड इन इंडिया सर्विस लुक्स लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग्स? डिजीबॉक्स डिडंट अप्लाई फॉर दैट, अपीयरिंग फॉर सीमैट एंड TISS. ओके विशाल, ओके. हेलो अनिकृति, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास. डिजीबॉक्स जो नीति आयोग ने लॉन्च किया है. ओके, लॉन्च्ड बाय नीति आयोग इन द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव. आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में नीति आयोग ने ये डिजीबॉक्स इसे लॉन्च किया है. मेड इन इंडिया सर्विस किस चीज से वो कंपेयर करता है? व्हाट्सएप, शेयर इट, टिकटॉक या फिर गूगल ड्राइव? विशाल ने कहा डी. जॉन्टी ने कहा डी. मोहिता ने कहा सी. नेहा ने कहा डी. शिवानी ने डी. सृष्टि अग्रवाल, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास. सृष्टि, आशुतोष, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास. वंदना ने कहा डी. एंड यूरीबडी सेड इट इज आंसर ऑप्शन डी. एंड डी इज द करेक्ट आंसर. इट एक्ट्स एज अ क्लाउड स्टोरेज. वेरी गुड विशाल, क्लाउड स्टोरेज. तो डिजीबॉक्स वॉज लॉन्च बाय नीति आयोग अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव. हेलो सौम्या, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास. हेलो हिमांशु, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड COVID-19 सभ्यता का संकट और समाधान? Who is the author of the book COVID-19 Sabhyata ka Sankat aur Samadhan? Vishal ne kaha C. Vishal ne kaha C. Come on guys, baki ke log jaldi jaldi answer do. विशाल सी, वंदना सी, अनुकृति सी, नेहा सी, मोहिता सी,
सृष्टि अग्रवाल, दुर्गेश, वनीता, शिवानी, श्रुतिका, यौरी बडिगेव आंसर ऑप्शन सी. कम ऑन, बाकी के लोग आशुतोष, हिमांशु एंड सौम्या, व्हाट आर योर आंसर गाइस? आशुतोष ने कह दिया सी, आशुतोष ने कहा सी, वेरी गुड. बाकी के लोग कम ऑन गाइस, एंड सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, कैलाश सत्यार्थी इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड, कैलाश सत्यार्थी. नेक्स्ट, हु हैज एंटर्ड इनटू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बाय आइडेंटिफाइंग 39 एरोप्लेन टेल्स, द मोस्ट एरोप्लेन टेल्स इन अ मिनट. हु हैज एंटर्ड इनटू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बाय आइडेंटिफाइंग 39 एरोप्लेन टेल्स, द मोस्ट एरोप्लेन टेल्स इन अ मिनट. सो विशाल ने कहा सी, सॉरी विशाल ने कहा डी, विशाल ने डी, वंदना डी, दुर्गेश डी, मोहिता डी, आशुतोष ने कहा डी, अनुकृति डी, नेहा डी, सौम्य डी, श्रुतिका डी, सृष्टि अग्रवाल, सब लोगों ने कहा डी. कम ऑन आशुतोष एंड हिमांशु, व्हाट आर योर आंसर्स? आशुतोष एंड हिमांशु, व्हाट आर योर आंसर्स? एंड डी इज द करेक्ट आंसर. डी इज द करेक्ट आंसर. सो द दुबई बेस्ड दिस किड, 12-year-old किड, हरप्रीत सिंह चड्डा, एरोप्लेन टेल्स, द मोस्ट इन 1 मिनट. ओके, मोस्ट इन 1 मिनट. सिक्स, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टीजियस CII ITC सस्टेनेबल अवार्ड 2020 इन द CSR डोमेन. CSR डोमेन में किसे CII ITC सस्टेनेबल अवार्ड 2020 मिला है? कम ऑन गाइस, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 इन द CSR डोमेन? वंदना ने कहा सी, दुर्गेश ने सी, नेहा ने सी, मोहिता सी. हेलो सिड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल्सो. विशाल सी, सौम्या सी, आशुतोष सी, सृष्टि सी, वनीता सी, डॉली ने भी कहा सी, डॉली ने भी कहा सी, एंड एवरीबडी सेड इट इज NTPC, एंड NTPC इज द करेक्ट आंसर. NTPC इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस CII ITC सस्टेनेबल अवार्ड 2020 इन द CSR डोमेन. ओके, आप लोग भी जब MBA में चले जाओगे, MBA के बाद जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पास आउट होकर बड़े बड़े कंपनीज में काम करोगे, यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ CSR. ओके, CSR एक्टिविटी इट्स सो नेसेसरी फॉर द सोसाइटी, एंड कंपनीज लाइक टाटाज, इंफोसिस, विप्रोज, रिलायंस, दे टेक द CSR एक्टिविटी वेरी सीरियसली इन ऑर्डर टू गिव बैक टू द सोसाइटी. ओके, सोसाइटी को वापस देना होता है अंडर दिस CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी. ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, MBA में आप इसे डिटेल में पढ़ोगे. चलो, ये क्या होता है CSR, इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे हम आजू बाजू हमारे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल झारखंड में वेन वी गो टाटा नगर में जब हम जाते हैं, यू सी एवरीथिंग इज डेवलप्ड बाय टाटा, रोड्स, फिर वहाँ का प्लांटेशन, वहाँ का मेंटेनेंस, एवरीथिंग. वैसे जहाँ जैसे पुणे में आधार पूना वाला सब जगह पर डस्टबिन्स इंस्टॉल किए हैं, पार्क्स डेवलप किए हैं, बैठने के लिए चेयर्स लगाए दिए गए हैं. तो इसे CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं. बेसिकली इट इज गिविंग बैक टू द सोसाइटी. कोई एक कंपनी है, दे गिव बैक टू द सोसाइटी. इट्स अ कंपल्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ कंपल्सरी एक्टिविटी दैट एवरी कंपनी हैज टू डू. ओके, एवरी कंपनी हैज टू डू. ओके, चलो CSR. नेक्स्ट, विथ लद्दाख्स, ओके, लद्दाख सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स एडेड टू इंडियाज लिस्ट ऑफ रामसार साइट, वॉट इज द नंबर ऑफ रामसार साइट्स इन इंडिया? आफ्टर लद्दाख का सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को जब रामसार साइट्स में इंक्लूड किया, इट इज व्हाट नंबर, कितना है? विशाल ने कहा ए, दुर्गेश ए, वंदना ए, मोहिता ए, नेहा ए,
शिवानी, आशुतोष, सलोनी, गुड मॉर्निंग सलोनी, गौरंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। दोनों ने भी कहा ए, सौम्या ने भी कहा ए, डॉली ने भी कहा ए। ओके गाइज, ऑल्सो वी आर हैविंग अ गेस्ट लेक्चर टुमारो। कल एक गेस्ट लेक्चर है आपके लिए। ओके, गेस्ट लेक्चर टुमारो एंड द टॉपिक इज एमबीए ए गुड ऑप्शन, इज एमबीए ए गुड ऑप्शन आफ्टर इंजीनियरिंग। ओके, गुड ऑप्शन आफ्टर इंजीनियरिंग, ये टॉपिक पर कल बात करेंगे हम लोग फ्रॉम एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट। ओके, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से काम करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर सलोनी। कल होगा शाम को 6 बजे, इवनिंग 6 PM, इवनिंग 6 PM। 42nd इज द करेक्ट आंसर गाइस, 42nd इज द करेक्ट आंसर। सब लोगों ने सही आंसर दिया है, सब लोगों ने सही आंसर दिया। देन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसल द बैंकिंग लाइसेंस इश्यूड टू सुब्रदा लोकल एरिया बैंक सिचुएटेड वेयर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसल द बैंकिंग लाइसेंस इश्यूड टू सुभद्रा। ओके, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड सिचुएटेड वेयर, कहाँ पर सिचुएटेड है सुभद्रा लोकल एरिया बैंक? रौरकेला, हुबली, कोल्हापुर, कोयम्बतूर। वंदना, यहां पर भावनाओं में मत बह जाना। ओके, सी 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 सी, सब लोगों ने कहा सी। दुर्गेश, मोहिता, वंदना, गौरंग, सलोनी, नेहा, सृष्टि, विशाल, डॉली, वनीता, सौम्या, एवरीबडी गेव द आंसर ऑप्शन सी, एंड सी इज द करेक्ट आंसर गाइस, सी इज द करेक्ट आंसर। कोल्हापुर में सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड इन कोल्हापुर। ओके, नेक्स्ट, फ्लोरिन सीतू। ओके, फ्लोरिन सीतू इज इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? कौन से प्रदेश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं फ्लोरिन सीतू? फ्लोरिन सीतू इज एक्सपेक्टेड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? वंदना ने कहा ए, दुर्गेश ए, विशाल ए, मोहिता ए, गौरंग ए, सिद्धार्थ, नेहा, सलोनी, सब लोगों ने कहा ए। गाइज, आज डेली जीके अपडेट। ओके, डेली जीके अपडेट विल बी एट 7 PM टुडे। ओके, 7 PM को डेली जीके अपडेट होगा। 7 PM विल बी डेली जीके अपडेट एंड क्विज। ओके, एंड क्विज, डेली जीके अपडेट। सर, आपके उधर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यस, इज इट डिस्टर्बिंग, इज इट डिस्टर्बिंग? वंदना, नितेश, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। गाइज, डू वी हैव अ डिस्टर्बिंग बैकग्राउंड नॉइज? ठीक है, दैट का जीके ले लेते हैं। इफ इट इज डिस्टर्बिंग जस्ट लेट मी, आई जस्ट क्लोज डाउन माई विंडो। एंड रोमानिया, रोमानिया इज द करेक्ट आंसर। ओके, रोमानिया इज द करेक्ट आंसर यहां पर। वेरी गुड, फैंटास्टिक ऑल ऑफ यू। ओके गाइज, ओके, गॉट इट। तो आज 7 बजे डेली जीके अपडेट हो जाएगा। डेली जीके अपडेट करना है या फिर आई शुड मेक 50 क्वेश्चंस का एक क्विज, 50 क्वेश्चन का एक क्विज बनाऊं क्या फॉर दैट? वॉट एवर यू से, यू वॉन्ट टू डू डेली जीके अपडेट्स, वी कैन डू डेली जीके अपडेट्स या फिर 50 क्वेश्चंस फॉर दैट। सर प्लीज स्केड्यूल इंडियन ज्योग्राफी मैराथन, इट वुड बी हेल्पफुल। यस विशाल, वी विल डू इट इन जनवरी। जनवरी में हम ज्योग्राफी का मैराथन करेंगे। ठीक है, ठीक है, विल डू क्विज, फाइन, फैंटास्टिक। जैट का ले लो सर। गुड मॉर्निंग तन्वी, वेलकम टू द क्लास। ठीक है, सिंस वी हैव जैट टुमारो, तो 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ओके, 50 मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विच आई फील आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, इसका 50 क्वेश्चंस का क्विज करेंगे हम लोग टुडे एट 7 PM। ओके, टुडे एट 7 PM, 7 बजे, 7 बजे हम लोग ये करेंगे। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, 7 PM टुडे इन माय स्पेशल क्लास। ओके, इन माय स्पेशल क्लास, ये स्पेशल क्लास में होगा, विच इज फ्री सेशन गाइज, फ्री सेशन। स्पेशल क्लासेस मतलब फ्री सेशन होते हैं,
ऑल द न्यू यूजर्स ऑन अनअकैडमी, आप इस कोड को यूज कर सकते हो, रुशी, RUSHI, रुशी, टू अनलॉक ऑल माई फ्री कोर्सेस. ओके, मेरे सारे फ्री कोर्सेज को अनलॉक करने के लिए ये कोड का इस्तेमाल कीजिए एंड एक्सेस माई फ्री कोर्सेज. मैंने बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लिए हैं. चलो, और अगर सर का सारा क्वेश्चन आया तो दो पार्टी देंगे आपको. करेक्ट. चलो, देन हु हैज बीन एलिवेटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव चीफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ येस सिक्योरिटीज. Who has been elevated as the managing director and chief executive officer of Yes Securities? So, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं. नितेश ने कहा बी, मोहिता बी, दुर्गेश, वंदना, नेहा, सिद्धार्थ, गौरंग, सलोनी, सृष्टि, विशाल, तन्वी, आशुतोष, अनुकृति. सब लोगों ने कहा बी. सब लोगों ने कहा बी, दैट इज प्रशांत प्रभाकरण. हमने अपने क्लास में किया था, रात के जो डेली जीके अपडेट्स होते हैं वो हमने कवर किए थे. सो प्रशांत प्रभाकरण इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड गाइस, प्रशांत प्रभाकरण. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच बैंक, ओके, विच बैंक इज गोइंग टू एग्जिट इट्स हाउसिंग फाइनेंस जॉइंट वेंचर बाय सेलिंग इट्स एंटायर स्टेक ऑफ 64% टू सेंट्रल हाउसिंग फाइनेंस और रुपीज 160 करोड़. 160 करोड़ के 160 करोड़ के लिए विच कंपनी, विच बैंक इज गोइंग टू एग्जिट. दुर्गेश, नितेश, वंदना, नेहा, गौरंग, मोहिता, सलोनी. सिद्धार्थ ने कहा सीबीआई. सीबीआई. विशाल, डॉली, आशुतोष, सृष्टि, सब लोगों का एक ही आंसर है. ये उरी बड़ी इज द सेम आंसर. सब लोगों का आंसर ऑप्शन ए है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. एंड यस, दैट इज अ करेक्ट आंसर. ओके, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच इंश्योरेंस कंपनी अक्वायर्ड 8.99% स्टेक इन पैसा डालो डिजिटल इन दिसंबर 2020? विच इंश्योरेंस कंपनी अक्वायर्ड 8.99% स्टेक इन पैसा डालो डिजिटल इन दिसंबर 2020? सो दुर्गेश ने, दुर्गेश, नितेश, मोहिता, सिद्धार्थ, वंदना, नेहा, गौरंग, सलोनी, अनुकृति, आशुतोष, सौम्या, हिमांशु, शिवानी. आर यू गाइज देयर इन द क्लास? तन्वी, कम ऑन गाइज, जल्दी जल्दी आंसर करो. अनुकृति, आशुतोष, डॉली, सृष्टि, सब लोगों ने कहा सी. तन्वी ने भी कहा सी. तन्वी ऑल्सो सेड सी. तन्वी ऑल्सो सेड सी. एंड द करेक्ट आंसर मुकेश कुमार. हेलो मुकेश, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास. एंड SBI लाइफ. ओके, SBI लाइफ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. SBI लाइफ करेक्ट आंसर है इसके लिए. वेरी गुड गाइज, वेरी गुड. नेक्स्ट, व्हेन इज द नेशनल गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व इन इंडिया? नेशनल गुड गवर्नेंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में? वंदना ने कहा सी, नितेश ए, मोहिता सी, तन्वी सी, दुर्गेश सी, इंद्रपाल गुड मॉर्निंग वेलकम टू द क्लास ए, विशाल ए, आशुतोष सी, नेहा सी, सलोनी सी. विशाल ने कहा ए. ओके, नाउ इस क्वेश्चन के लिए अलग अलग आंसर्स आए हैं सब लोगों के लिए. श्रुतिका ने भी कहा सी. श्रुतिका ने भी कहा सी. एंड ऑल द पीपल हु गेव आंसर ऑप्शन सी आर फैंटेस्टिकली रॉन्ग बिकॉज द करेक्ट आंसर इज दिसंबर 25th. दिसंबर 25th अटल जी का बर्थडे होता है उस दिन. अटल जी इज बर्थ एनिवर्सरी. अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है 25 दिसंबर को, और उस दिन हम नेशनल गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. देर आर 30 क्वेश्चन अनुकृति, 30 क्वेश्चन.
in today's quiz in memory of Atal Bihari Vajpayee ji. Yes. Next. Where will India's first लिथियम रिफाइनरी बी सेट अप? इंडिया का सबसे पहला लिथियम रिफाइनरी कब से कहां पर सेटअप होने वाला है? सो वंदना ने कहा डी, नितेश, दुर्गेश, गौरंग, मोहिता, तन्वी, विशाल, सृष्टि, नेहा, सिद्धार्थ, सलोनी, आशुतोष, जॉन्टी, श्रुतिका. एवरीबडी गेव आंसर ऑप्शन डी. एवरीबडी ने आंसर ऑप्शन डी कहा है. इंद्रपाल ने भी कहा डी. मैन गेव करेक्ट आंसर. एवरीबडी गेव करेक्ट आंसर. गुजरात इज द करेक्ट आंसर. 1,000 रुपीज करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं. 1,000 करोड़ रुपीज. विच कंपनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट? ऑलरेडी एक नंबर, एक नंबर. वंदरा फैंटास्टिक, एकदम एकदम जबरदस्त. पहाड़ों के बीच में. यस, 1,000 करोड़ रुपीज. कौन इन्वेस्ट करने वाला है इन दिस लिथियम रिफाइनरी? ऑस्ट्रेलिया से हम लोग लिथियम इंपोर्ट करने वाले हैं, गुजरात में प्रोसेस करने वाले हैं. एलएनटी इज अ रॉन्ग आंसर विशाल. एलएनटी नहीं. यस, काफी खुश हूं मैं. साल की शुरुआत काफी अच्छे से हुई है मेरी. एलएनटी नहीं, एलएनटी नहीं. हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट 1,000 करोड़ रुपीज? यस सृष्टि, एब्सोल्युटली करेक्ट. वेरी गुड. वेन मणिकर्णिका, ओके मणिकर्णिका पावर इंटरनेशनल लिमिटेड. यस वेरी गुड, वेरी गुड. यस यस मणिकरण, मणिकरण कर्णिका नहीं. राइट, मणिकरण, मणिकर्णिका नहीं, मणिकरण. ओके चलो. यस फैंटास्टिको. नेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू यूके बेस्ड सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, इंडिया विल ओवरटेक विच कंट्री टू बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इन 2025? दिस इज एन आईएफटी टाइप, आईएफटी क्वेश्चन. ओके गाइज, ये आईएफटी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन आईएफटी. अकॉर्डिंग टू यूके बेस्ड सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, इंडिया विल ओवरटेक विच कंट्री टू बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इन 2025? फिफ्थ लार्जेस्ट इन 2025. एवरीबडी सेज अय्या रम्याओ. इंद्रपाल ने भी कहा यूके. एवरीबडी, एवरीबडी सेड ए एंड एवरीबडी गिव द करेक्ट आंसर यूके. ओके यूके. सो हमने ऑलरेडी यूके को ओवरटेक किया था 2019 में, बट बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन वी बिकेम द सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी अगेन. बट 2025 में वी विल अगेन बी ओवरटेकिंग यूके एंड बी द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. ओके, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. चलो फैंटास्टिक, फैंटास्टिक गाइज. नेक्स्ट. इन अ परसूट ऑफ जस्टिस, इन अ परसूट ऑफ जस्टिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुम? इन द परसूट ऑफ जस्टिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुम? परसूट ऑफ जस्टिस इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुम? किसका है परसूट ऑफ जस्टिस? नितेश ने कहा सी, सिद्धार्थ ने कहा सी, नेहा सी, मोहिता सी, सृष्टि सी, सलोनी सी, दुर्गेश सी, इंद्रपाल ने डी, विशाल डॉली सी, विशाल डॉली सी. यस इंद्रपाल, तन्वी सी एंड ऑल द पीपल हु गेव आंसर ऑप्शन सी आर फैंटेस्टिकली रॉन्ग, क्योंकि करेक्ट आंसर इज राजिंदर सचार. ओके, जस्टिस राजिंदर सचार, जस्टिस राजिंदर सचार, जिन्होंने
सचार कमिटी मुस्लिम्स के मुस्लिम रिफॉर्म्स ओके मुस्लिम कम्युनिटी के रिफॉर्म्स के लिए जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, हमने सचार कमिटी के बारे में पढ़ा है जीके टेस्ट सीरीज में ओके जीके टेस्ट की सीरीज में सचार कमिटी के ऊपर आया था कि कौन से रिफॉर्म्स के लिए सचार कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी इन 2005 ओके। सो जस्टिस राजेंद्र सचार का ये ऑटोबायोग्राफी है इन परसूट ऑफ जस्टिस ओके इन परसूट ऑफ जस्टिस। दिस इज टीआईएसएस लेवल क्वेश्चन गाइस, ये टीआईएसएस का क्वेश्चन है, टीआईएसएस ओके। नेक्स्ट, इन विच कंट्री लॉन्च्ड अ न्यू रिमोट अच्छा विच कंट्री लॉन्च्ड अ न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट युआन 33 इनटू स्पेस। आउगान ओके युआन ने आउगान 33 इनटू स्पेस। कौन से कंट्री ने ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च की है नोन एज याउगान 33। शिवानी ने कहा नहीं, तन्वी ने कहा ए, इंद्रपाल ने कहा बी, शिवानी ने ए, विशाल ए, वंदना ए, नितेश बी, मोहिता सलोनी, दुर्गेश, अनकृति, डॉली एंड नेहा, बाकी सब लोगों ने कहा बी। जहरीला सिंह, हेलो मिस्टर सिंह, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। जॉन्टी ने भी कहा बी। सो ऑल द पीपल हु गेव आंसर ऑप्शन बी आर करेक्ट बिकॉज इट इज चाइना ओके। चाइना ने रिसेंटली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट याओगन 33 को लॉन्च किया है। वेरी गुड देयर गाइज, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट ओके विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द विनर ऑफ डिजिटल वॉज अनाउंस द डिजिटल इंडिया अवार्ड्स इंस्टीट्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दिस ईयर फॉर इनोवेटिव स्टेप्स इन ई गवर्नेंस। कौन से स्टेट को डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला है फॉर इनिशिएटिव स्टेप्स इन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के लिए कौन से राज्य को डिजिटल इंडिया अवार्ड पुरस्कार मिला है, डिजिटल इंडिया पुरस्कार। मोहिता बी, वंदना बी, विशाल बी, जॉन्टी ए, दुर्गेश बी, शिवानी बी, सलोनी बी, अनुकृति बी, श्रुतिका बी, कम ऑन गाइस, बाकी के लोग। सृष्टि ने कहा डी, नेहा ने कहा पता नहीं। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बिहार ओके। बिहार इज द करेक्ट आंसर गाइस, बिहार इज द करेक्ट आंसर। बिहार को मिला है डिजिटल इंडिया अवार्ड गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इनोवेटिव स्टेट्स इन ई गवर्नेंस ओके। यस, बिहार हैज बीन अवॉर्डेड। नेक्स्ट नेक्स्ट, 21 ईयर ओल्ड आर्या राजेंद्रन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मेयर ऑफ विच कॉरपोरेशन मेकिंग हर द यंगेस्ट एवर टू ऑक्यूपाई द पोस्ट इन द कंट्री। यस वंदना, आपके साथ हम भी बहुत खुश है। 21 ईयर ओल्ड आर्या राजेंद्रन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मेयर ऑफ विच कॉरपोरेशन मेकिंग हर द यंगेस्ट एवर टू ऑक्यूपाई द पोस्ट इन द कंट्री। ए ए ए एवरीबडी, यस एवरीबडी इज गिविंग द सेम आंसर। हेलो शिवांश कुमार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। नितेश, दुर्गेश, डॉली, इंद्रपाल, मोहिता, शिवानी, एवरीबडी गेव आंसर ऑप्शन ए एंड ए इज द करेक्ट आंसर। थिरुवनंतपुरम ओके, थिरुवनंतपुरम। कैन यू टेल मी मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। मेयर्स इलेक्शन इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। शशि थरूर कॉन्स्टिट्यूएंसी, यस थिरुवनंतपुरम। सो यू गाइस टेल मी मेयर्स इलेक्शन इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन। मैंने पढ़ाया था इंडियन पॉलिटी में, आपको पढ़ाया था मैंने इनडायरेक्ट इलेक्शन। वनिता, वंदना, वनिता ने इनडायरेक्ट, वंदना डायरेक्ट, विशाल इनडायरेक्ट,
दुर्गेश डायरेक्ट, नेहा इनडायरेक्ट, जॉन्टी इनडायरेक्ट, लीडर ऑफ पार्टी विथ मेजोरिटी, इनडायरेक्ट 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 इनडायरेक्ट, यस एंड इनडायरेक्ट इज द करेक्ट आंसर। मेयर का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द वार्ड्स जो इलेक्टेड जो विनर है वार्ड्स के, वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि हु इज गोइंग टू बी द मेयर। ओके, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। ओके, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। गुड, नेक्स्ट। वेयर डिड इंडियन नेवी अंडरटूक अ पैसेज एक्सरसाइज विद द वियतनामीज नेवी? वेयर डिड इंडियन नेवी अंडरटूक अ पैसेज एक्सरसाइज विद द वियतनामीज नेवी? वियतनामीज नेवी के साथ इंडियन नेवी ने कहां पर पैसेज एक्सरसाइज ले ली? विशाल ने कहा डी, इंद्रपाल डी, वंदरा सी, मोहिता डी, विवेक गुड मॉर्निंग वेलकम टू द क्लास विवेक, सलोनी, इंद्रपाल, शिवानी ने कहा बी, दुर्गेश ने डी, सृष्टि, नितेश, डॉली, अनुकृति, नेहा, अनुकृति ने सी, नेहा ने सी, शिवांश ने सी। ओके, सो आई हैव मिक्स्ड आंसर्स हियर, आई हैव मिक्स्ड आंसर्स हियर, मिक्स्ड आंसर्स है। तो द करेक्ट आंसर हियर इज डी गाइस। ओके, साउथ चाइना सी जहां पर वियतनाम है। ओके, इंडियन ओशन में नहीं। मुझे लगा ही था कि मोस्ट ऑफ यू विल थिंक कि इंडियन ओशन में है, क्योंकि बहुत सारे हमने जो पैसेज एक्सरसाइज किए थे वो इंडियन ओशन में हुए हैं, या बे ऑफ बंगाल में ही हुए हैं, या फिर अरेबियन सी में हुए हैं, बट दिस इज साउथ चाइना सी। ओके, वियतनामीज के साथ साउथ चाइना सी में किया था, तो याद रखना। ओके, याद रखना एवरीबडी, एवरी टाइम इट इज नॉट इंडियन ओशन, एवरी टाइम इट इज नॉट इंडियन ओशन। तो आग मूंज कर आंसर मत मार्क मत करना गाइज, ये पर्टिकुलर याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ गाइज, आप लोगों को मैं एक खुशखबरी बताना चाह रहा था। ऑल द पीपल हु विल बी प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2021, दिस इज द गुड न्यूज फॉर यू। परफेक्ट स्कोर बैच टॉपर्स के साथ शुरू हो रहा है, शुरू हो गया था कल से, 1st ऑफ जनवरी। ओके, 1st ऑफ जनवरी से ये बैच शुरू हो गया है। इट विल बी डन बाय शबाना मैम, रवि रवि प्रकाश सर एंड भरत गुप्ता। सो ऑल द टॉप एडुकेटर्स ऑफ द कंट्री विल टीच यू इन दिस बैच। तो ये बैच को एनरोल करना मत भूलिए गाइज। यू कैन यूज द कोड RUSHI रूशी टू गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एनरोल फॉर दिस बैच। ऑल्सो आइकॉनिक कैट बैच शुरू हो गया है 28 दिसंबर से। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? देर आर पर्सनल मेंटर्स, टेस्ट एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स, ओमेट्स का भी प्रिपरेशन यहाँ पर कर दिया जाएगा, एंड ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस आर इंक्लूडेड, मेंटर्ड बाय टॉप ग्रेजुएट्स फ्रॉम बी स्कूल। एंड गाइज, इसे यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिए, दिस इज अ फैंटेस्टिक फीचर इंट्रोड्यूस टू यू बाय अनअकैडमी, जहाँ पर सिर्फ आप अपने डाउट का एक फोटो खींचकर अपलोड कर सकते हैं और आपको 24x7 आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, 24x7 योर डाउट विल बी क्लियर्ड। ऑल्सो अनअकैडमी चैंपियंस लीग विल बी हेल्ड ऑन अल्टरनेट संडे, हर अल्टरनेट संडे स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो Jan 3 से 5 बजे से 7 बजे तक ये टेस्ट होगा, दैट इज अनअकैडमी चैंपियंस लीग। यू कैन विन एक्साइटिंग प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप अंडर दिस चैंपियंस लीग, गेट इन डेप्थ एनालिसिस विद द सेम डे एनालिसिस। ओके, शाम को ही आपको तुरंत उस टेस्ट का एनालिसिस मिल जाएगा। सर, इस सेशन के बाद आप PDF, यस तन्वी, आई विल डू दैट फॉर यू। ऑल्सो गाइज, ये हमारा जो जनरल नॉलेज का टेस्ट सीरीज था उसका मंडे से टाइमिंग चेंज हो रहा है। ओके, द टाइमिंग विल बी चेंज। ये जो जो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक होता था एवरी मंडे, फ्रॉम 4th ऑफ जनवरी दैट इज कमिंग मंडे, इट विल बी 6 PM to 7 PM, 1 घंटे का टेस्ट होगा। एंड एनालिसिस विल बी डन बाय मी। ओके, उस टेस्ट का एनालिसिस मैं करूंगा, एंड इट विल बी 8 PM to 9 PM। ओके, 9 बजे से 8 बजे से लेकर 9 बजे तक इन माई स्पेशल क्लास। ओके, इन माई स्पेशल क्लास इसका एनालिसिस हम करेंगे मेरे स्पेशल क्लास में। बट नोट गाइज, नोट कि 6 PM to 7 PM टेस्ट का टाइमिंग चेंज हो गया है। द जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज जो हर मंडे सुबह 11 बजे होता था वो अभी शाम को हो गया है 6 to 7 PM। ओके, एंड सर ऑल्सो द PDF ऑफ अपॉइंटमेंट्स, आई थिंक सो आई हैव सेंट ऑलरेडी दुर्गेश, मैंने अपॉइंटमेंट्स का PDF भेज दिया है ऑलरेडी ग्रुप में।
ओके गाइस, चलो तो नेक्स्ट आगे आगे चलते हैं। लास्ट 10 क्वेश्चन गाइस, लास्ट 10 क्वेश्चन, स्टे विथ मी फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स, 10 और 12 मिनट्स। सो विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ नवरत्नालू पेडलंग द रिकी इल्लू द हाउसिंग फॉर पुअर स्कीम। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है नवरत्नालू पेडलंदर की? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र? नो, यू हैवन्ट सेंट द पीडीएफ ऑफ अपॉइंटमेंट्स। आई थिंक आई हैव, डॉली। हेलो मुस्कान, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। मोहिता ने कहा ए, वंदना ने कहा ए, मुस्कान ने बी, अनुकृति ए, वनीता ए, दुर्गेश ए, जॉन्टी ने कहा बी, नेहा ए, विशाल ए, सलोनी ए, शिवानी ए, डॉली ने कहा बी, डॉली ने कहा बी। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंध्र प्रदेश गाइस, करेक्ट आंसर देयर, करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेंसी ऑफ वियतनाम? मैंने एक स्टैटिक क्वेश्चन डाल दिया बीच में, जानबूझकर मैंने एक स्टैटिक क्वेश्चन डाल दिया। व्हाट इज द करेंसी ऑफ वियतनाम? IIFT के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। IIFT, व्हाट इज द करेंसी ऑफ वियतनाम? वियतनाम का करेंसी क्या है? बहुत ही इजी आंसर है गाइस, इट्स अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन है, वेरी। मोहिता ने कहा ए, डोंग। मोहिता, विशाल, वंदना, जॉन्टी, दुर्गेश, सलोनी, विशाल, नेहा, डॉली, नितेश, अनुजा, गुड मॉर्निंग अनुजा, वेलकम टू द क्लास। ए ए ए ए ए सब लोग कह रहे हैं, एंड ए इज द करेक्ट आंसर, डोंग। ओके, डोंग इज द करेक्ट आंसर, डोंग इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड देयर गाइस। नेक्स्ट, विच टाइगर रिजर्व्स विल विटनेस द कंट्रीज फर्स्ट हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी इन द टाइगर रिजर्व? कौन से टाइगर रिजर्व में सबसे पहले हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी होने वाली है? विशाल ने कहा सी, मोहिता सी, वंदना सी, नितेश सी, वंदना सी, नितेश, सलोनी, नेहा, दुर्गेश, सृष्टि, अनुकृति, डॉली, प्रज्ञान। हेलो प्रज्ञान, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। एवरीबडी गेव आंसर ऑप्शन सी, एंड दैट्स अ करेक्ट आंसर। यस, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश विल हैव विटनेस कंट्रीज फर्स्ट हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी इन द टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, हु हैज बीन ऑनर्ड विथ DRDO's साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपिंग सेवरल हर्बल मेडिसिन? सेवरल हर्बल मेडिसिन के लिए किसे DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? TISS के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, कैन एक्सपेक्ट इन TISS, TISS में एक्सपेक्ट कर सकते हो। मोहिता ने कहा डी, इंद्रपाल ने कहा डी, विशाल डी, सलोनी डी, नितेश ने कहा पता नहीं, शिवानी डी, अनुकृति डी, दुर्गेश ने कहा पता नहीं, डॉली ने कहा डी 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 डी, सृष्टि ने डी, जॉन्टी ने कहा ए। एंड करेक्ट आंसर सर पढ़ा था बट याद नहीं आ रहा। ओके ओके, प्रज्ञान ने कहा डी, एंड यस गाइज, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। हेमंत कुमार पांडे, ओके, हेमंत कुमार पांडे इज द साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड विनर हु कॉन्ट्रीब्यूटेड इन सेवरल हर्बन मेडिसिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेरेडनेस
observed annually. International Day, DRDO Establishment Day yesterday tha. When is International Day of Epidemic Preparedness observed annually? Indrapal ne kaha D, 27th of December. Vishal also said it's D. Sir, hai uske liye yaad dilwane ke liye. Yes, Mohita D, Saloni D, Durgesh D, Vandana D, Anukriti D, Dolly D, Neha D, Pragyan D. Everybody gave answer option D. Everybody gave answer option D. Guys, आपको ये quiz अगर अच्छी लग रही है तो please इस video को like करना बिल्कुल मत भूलिएगा. Do not forget to like this video. And the correct answer for this question is D, December. Okay, 27th December is the correct answer for this question. चलो next. The book titled, Sutra Nivedanachi Sutra Ek Anbhav, released by Union Minister of the State for Ayush Sripad Naik, is authored by whom? Sutra Nivedanachi Sutra Ek Anbhav kisne likhi hai? Who has authored this book? Sutra Nivedanachi Sutra Ek Anbhav, released by Union Minister of State for Ayush Sripad Naik, is authored by whom? Vishal ne kaha D, Durgesh D, Neha D, Neha ne kaha D, Anukriti ne kaha pata nahi, Neha ne bhi kaha pata nahi, sorry, Neha ne pata nahi kaha. Rest of the people, what is your answer? Nitesh ne kaha C, Nitesh ne kaha C. Mohita D. And C is the correct answer for this question. Okay, D bola apne upar. Okay, C is the correct answer. Okay, Rupachari has written this book. Sutra Nivedanachi Sutra Ek Anbhav. Okay, Ek Anbhav. Sutra Nivedanachi Sutra Ek Anbhav. Okay, C is the correct answer for this question, guys. Mark it. Next, which country has planned to set up a nuclear reactor on the surface of the moon by 2026? Which country has planned to set up a nuclear reactor on the surface of the moon by 2026? So, Nitesh ने कहा A, Mohita A, Vandana D, Vishal A, Dolly A, Vandana ने कहा correct किया अपना answer A, Anukriti A, Neha A, Durgesh A, Shrishti, Shivani, Saloni, सब लोगों ने कहा A. A is the correct answer. USA is the country who is going to set up a nuclear reactor on the surface of the moon by 2026. The movie Avatar. Okay, the movie Avatar. James Cameron ka. Okay, James Cameron will soon become a reality. Okay, it will soon become a reality with such kinds of extraordinary expeditions by the humankind. Next. According to Reserve Bank paper, maintaining how much percent inflation is appropriate for India? IIFT ke liye important update. Okay, can be an IIFT question. Yes, it will. According to the Reserve Bank paper, maintaining how much percent inflation is appropriate for India? Sir, kya hoga usse? We will be exploiting the land of the moon, Vandana. हम moon के land को exploit करेंगे.
अनुकृति बी बी बी, अनुकृति बी, नितेश ए, जॉन्टी ए, दुर्गेश, नेहा, विशाल, वंदना, सलोनी, डॉली, प्रज्ञान, मोहिता, सब लोगों ने कहा ए, एंड यस ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, हु इज ऑथर ऑफ द बुक, हु इज ऑथर ऑफ द नॉवेल टाइटल्ड अंतिमा. ओके, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अंतिना. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अंतिना? अनुकृति ने कहा बी, सलोनी पता नहीं, मोहिता डी, दुर्गेश पता नहीं, डॉली पता नहीं, वंदना ने कहा डी. कम ऑन गाइस, कम ऑन. चारू, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मानव कॉल. ओके, मानव कॉल करेक्ट आंसर, मानव कॉल इज द करेक्ट आंसर. नेहा ने सही आंसर दे दिया. नेक्स्ट, विच क्रिकेटर वॉन द आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड फॉर द डिकेड इन द रिसेंटली कंक्लूडेड आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड्स? विच क्रिकेटर वॉन द आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड इन द रिसेंटली कंक्लूडेड आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड? सो जॉन टी ने कहा सी, इंदरपाल ने कहा डी, मनोज गुड मॉर्निंग वेलकम टू द क्लास उसने कहा सी, वंदना डी, वेंकी गुड मॉर्निंग वेलकम टू द क्लास, नेहा सी, मुस्कान ए, मोहिता ने सी, नितेश, सलोनी, विशाल, शिवानी, सृष्टि, डॉली, साई किरण गुड मॉर्निंग वेलकम टू द क्लास. द करेक्ट आंसर इज एम एस धोनी गाइस. ओके, यस, एम एस धोनी, एम एस डी, थाला, थाला को मिला है स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड इन डिकेड. आईसीसी मेंस विराट कोहली, आईसीसी विमेन्स एलसे पेरी. करेक्ट इंद्रपाल. देन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एलिमेंट्स ऑफ द क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स? स्तुति आ नहीं रही है, पर दुर्गेश, नेहा, नितेश, वंदना ने कहा स्तुति, सलोनी, अनुकृति, विशाल, वंदना, डॉली, निकिता गोयल वेलकम टू द क्लास निकिता, एंड मोहिता ने कहा डी. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्तुति शर्मा. ओके, स्तुति शर्मा इज द करेक्ट आंसर. डॉक्टर श्रुति शर्मा इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स. ओके, एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे गाइज, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. विच स्पेस टेक स्टार्टअप सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इन सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट स्टेज नेम्ड कलम 5? इन विच स्पेस टेक स्टार्टअप सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इन सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट स्टेज नेम्ड कलम 5? इंद्रपाल ने कहा ए, वंदना ने कहा बी, अनुकृति बी, नितेश बी, मोहिता ए, वैभव गुप्ता वेलकम टू द क्लास वैभव, विशाल ए, नितेश ए, सलोनी बी, दुर्गेश बी, डॉली बी, सृष्टि बी, नेहा बी, शिवानी ए. गाइज आज 7 बजे, ओके, आज 7 बजे स्पेशल क्लास में, ओके, स्पेशल क्लास, स्पेशल क्लास जैट के लिए जीके क्विज होगा. ओके, जैट के लिए जीके क्विज, जीके क्विज फॉर जैट.
टुडे 7 PM और कल 6 बजे यूट्यूब पर होगा गेस्ट लेक्चर। ओके, यूट्यूब 6 PM वी विल हैव अ गेस्ट लेक्चर। गेस्ट लेक्चर एंड द टॉपिक विल बी इज एमबीए आफ्टर इंजीनियरिंग अ गुड आइडिया। इज एमबीए आफ्टर इंजीनियरिंग अ गुड आइडिया एंड ऑल द पीपल हु गेव आंसर ऑप्शन ए आर करेक्ट। स्काई रूट एरोस्पेस, इंदरपाल ने बराबर कहा था। इट इज अ हैदराबाद बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप। ओके, हैदराबाद स्पेस टेक स्टार्टअप। सर कल का स्केड्यूल बता दीजिए। 12 PM। ओके, 12 PM कल जैट एनालिसिस होगा। 12 PM विल बी जैट एनालिसिस टुमारो एंड 6 PM दिस विल बी ऑन जैट एनालिसिस विल बी ऑन यूट्यूब। ये यूट्यूब पर है और ये जो 6 PM का YT का गेस्ट लेक्चर है वो भी यूट्यूब पर ही है। नो स्पेशल क्लास टुमारो, कोई स्पेशल क्लास नहीं होगी। नो स्पेशल क्लास टुमारो। ओके, नो स्पेशल क्लास टुमारो। आज शाम को 7 बजे होगा स्पेशल क्लास। दिस इज स्पेशल क्लास, दिस इज स्पेशल क्लास, ये स्पेशल क्लास है आज। ओके, टुडे विल ज्वाइन एट 7। यस वैभव, थैंक यू सो मच। सो किसी को कुछ डाउट है इन टुडे सेशन? एनी डाउट टू एनीबडी फॉर टुडे सेशन? एनी डाउट एनीबडी? सर कल 12 बजे का 1 PM नहीं हो सकता एज द पेपर इज स्टिल 2:20। हावेवर द एनालिसिस विल स्टार्ट आफ्टर 12:20 ओनली। टिस्नेट टेस्ट सीरीज ऑन अनअकैडमी व्हेन? मंडे। टेस्ट सीरीज वी आर येट टू स्टार्ट विशाल। आई थिंक वी शुड गो इन द सेकेंड हाफ फॉर द टेस्ट सीरीज। ओके, टेस्ट सीरीज आफ्टर 15th of January वी विल गो फॉर टेस्ट सीरीज। लेट्स जस्ट कवर अप द पेंडिंग मिसलेनियस इंफॉर्मेशन। जो मिसलेनियस इंफॉर्मेशन बची है उसे कवर करते हैं हम लोग। ओके, यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो गाइज। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो ऑल द पीपल। इफ इन केस यू गाइज हैव नो डाउट्स, अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टूडे सेशन। यू गाइज वर अमेजिंग। इफ इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। हैव अ वंडरफुल, वंस अगेन गाइज, हैप्पी न्यू ईयर। मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग यू लॉट ऑफ ग्लोरी, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ गाइज। सो बिफोर वी पार्ट वेज फॉर टूडे, लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू अबाउट द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। द 1 year सब्सक्रिप्शन प्लान गोज फॉर 17,500 रुपीज ओनली एंड द 2 year सब्सक्रिप्शन प्लान गोज फॉर 21,000 रुपीज ओनली। बट विद दिस नेम गाइज यू कैन गेट अ 10% डिस्काउंट। सो दिस विल गो फॉर 15,750 रुपीज ओनली एंड दिस विल गो फॉर 18,900 रुपीज ओनली। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द प्लस प्लेटफॉर्म एंड एनहेंस योर लर्निंग इन मेनी डिफरेंट वे गाइज। दीज आर सम अदर पॉपुलर कोर्सेज ऑन अन अकेडमी। सो नॉट ओनली यू, इवन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली कैन बी बेनिफिटेड थ्रू इट। सो इफ एनीबडी इज प्रिपेरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, फॉर बैंकिंग, फॉर रेलवेज, फॉर IITs, फॉर मेडिकल, सिंपली आस्क देम टू चेक आउट दिस अमेजिंग कोर्सेस ऑन अन अकेडमी। एंड गाइज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए गाइज। इफ इन केस यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू GDG के करंट अफेयर्स, फील फ्री टू ऑलवेज कैच अप विथ मी ऑन दिस पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज माई ग्रुप unacademy_RK। थैंक यू ऑल गाइज, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टूडे सेशन। शिवानी, नेहा, सृष्टि, सलोनी, वंदना, मोहिता, नितेश, इंद्रपाल, वैभव, साई किरण, everybody who joined today's session guys, thank you so much. Have a beautiful day ahead. Let's crack it guys. Bye bye. You guys have a fantastic day ahead.